आपका सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये क्रोशे के फूल बनाना कैसे सीखेंगे ये लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉटन का थ्रेड, ऑल पर्पज थ्रेड है ये, इसको यूज करूंगी। इसके लिए सेंटर में यूज करने के लिए ये बड़े वाले बीड्स हैं, और वैसे कोई भी आप बीड्स लगा सकते हो। ये इसमें मैंने पिंक में व्हाइट यूज करे हैं और व्हाइट में पिंक, ये स्मॉल वाले बीड जो है ये यूज करेंगे। इसके लिए अगर आपको थ्रेड चाहिए हो तो आप ये वाला थ्रेड भी यूज कर सकते हो जो गुच्छी वाला होता है। इससे भी जो फ्लावर्स है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं क्रोशे में। और क्रोशे का मैं यूज कर रही हूँ, क्रोशे का नंबर है 5 नंबर, 5 नंबर थ्रेड का क्रोशिया होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए जो मैंने फ्लावर बनाया है इसके 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला जो थोड़ा छोटा फ्लावर है इसमें, और इसके जो बेस में है वो बड़ा फ्लावर है। 2 फ्लावर इसमें मैं यूज कर रही हूँ। इस तरह से ये 2 फ्लावर हम बनाएंगे, एक थोड़ा बड़ा साइज में बनाएंगे और एक छोटा, इसको इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला फ्लावर बनाने के लिए 10 चेन करेंगे, 10 टाइम्स चेन करेंगे। इस तरह से स्टार्ट करके 1, 2, 3 ये 10 हो गई। अब इसको जो फर्स्ट वाली चेन हमने करी है उस पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। थ्री चेन करने के बाद सिंगल क्रोचेट हम करेंगे। इस तरह से ये एक पत्ती जो है फ्लावर की बन जाएगी। ये हमने 5 टाइम सिंगल क्रोचेट करा है, फिर बिना क्रोचेट के बिना बल लिए हम इसी रिंग में से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, चेन करने के बाद फिर एक टर्न लेंगे सिंगल क्रोचेट करने के बाद। जैसे फर्स्ट पीटल हमने ये बनाई है इसी तरह से आगे बना लेंगे, सेम 5 टर्न्स लेंगे। हमारा जो छोटा वाला फ्लावर है क्रोशिया का, सिंपल है, बहुत इजी है, इसको आप बहुत इजीली बना सकते हो। ये रेडी हो गया। अब जो बड़ा वाला फ्लावर बनाएंगे उसके लिए हम 17 चेन करेंगे।
बस दोनों फ्लावर्स में इतना ही डिफरेंस है कि हम जो छोटा वाला फ्लावर है उसमें हम 10 चेन करेंगे स्टार्टिंग में, और जो बड़ा वाला फ्लावर है उसमें हम 17 चेन करेंगे, और बाकी बनाने का मेथड जो है वो सेम है। इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। दोनों फ्लावर बनाने के बाद हम एक नीडल में व्हाइट थ्रेड डाल लेंगे और उसको नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से रख लेंगे इस तरह से, और बैक साइड से इस तरह से दोनों फ्लावर्स को पेटल्स को इकट्ठा जोड़ देंगे। छोटे छोटे स्टिच लेंगे। अब इसके जो सेंटर में हम लगाएंगे बीज, छोटे वाले बारीक वाले ये वाले बीज लगाएंगे। इसके लिए हम बहुत बारीक वाली जो नीडल होती है ये वाली यूज करेंगे। जो ऊपर वाला फ्लावर है इसमें उसमें से हम इस तरह से नीडल को निकालेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बीड्स को सेट करके हम इसको एक तरह से पैच बना लेंगे। इस फ्लावर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वूल से भी बना सकते हो, किसी स्वेटर पे और कहीं भी इसको सजाकर बनाकर लगा सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।